नवरात्रि की तैयारियां अब जोरों पर हैं। नवरात्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा। सूरत पुलिस ने भी कोई सबूत जारी नहीं किया। शहर में नवरात्रि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। सूरत शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजकों के अलावा शहर के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में आयोजन स्थल पर तैयारियों के प्रकार से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा हुई। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद। आज माननीय सीपी सर की अध्यक्षता में जितने भी गरबा के आयोजक हैं उनके साथ में और सारे सीनियर अधिकारी की हाजिरी में मीटिंग हुई। तो आयोजकों की तरफ से जो जो शंकाएँ थी, परमिशंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके जो सवाल थे, उनके संबंध में चर्चा हुई और सभी को डिटेल में बताया गया है कि डूज एंड डोंट्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जो जो परमिशंस लेनी है उन सब के बारे में चर्चा हुई। और सारे हम सूरत पुलिस परिवार जो है वो एकदम प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से गरबा का आयोजन सूरत सिटी में हो।